हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कुंडली का भुजिया बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। तो उतने टाइम जो कोई हम लोगों के चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ये जो कुंडली है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और एनीमिया से भी बचाता है, और उसमें खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो देखिए, ये हम लोग कुंडली ले लिए हैं। तो आप जितनी क्विकली बना रहे हैं उतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट यानी कुंडली लेके इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये जो कुंडली है आधा केजी का है। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुंडली को अच्छे तरीके से धो लिए हैं और उसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, उसे अच्छे तरीके से उसका छिलका निकाल लिए हैं और उसे भी लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो प्याज को बारीक भी कट करके इसे तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस कुंडली के भुजिए को ज़रूर ही बनाइएगा, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है और ये फ़ायदेमंद भी है। तो अब हम लोग इसमें मिर्ची भी कट कर लेते हैं। तो ये हरी मिर्ची है, तो हम लोग दो हरी मिर्ची को भी अच्छे तरीके से स्टिक को फेंक दिए हैं और उसे कट कर लिए हैं। तो अब हम लोग गैस को ऑन कर लेंगे, उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम लोग उसमें सरसों का तेल डाल दिए हैं और सरसों के तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तब हम लोग उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से चटकने देंगे। तो आप लोगों को भी इसी प्रोसेस से करना है, तो इसे ज़रूर ही बनाइएगा। तो अब हम लोग इसमें डाल देंगे वो जो हरी मिर्च को कट किए थे उसे डाल देंगे, और वो जो प्याज कट किए थे लंबे लंबे पीसेस में उसे भी डाल देंगे। और इन सबको उतने टाइम ही पकाना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो आप लोगों को भी इसी प्रोसेस से करना है, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हम लोगों का वीडियो कैसा लगता है। तो इसे अच्छे तरीके से पका लेते हैं। हम लोगों के यहाँ इसे कुंडली बोलते हैं और बाकी सारे जगह इसे कुंदरू के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हर लैंग्वेज में हर नाम से जाना जाता होगा, हम लोगों को उतना नहीं पता है। तो अब हम लोग इसमें वो जो कुंडली को कट किए थे लंबे लंबे पीसेस में उसे डाल देंगे। तो जब प्याज का कच्चापन निकल जाए तभी हम लोग उसे कुंडली को डाल देंगे, और गैस को जो है मिडिल फ्लेम पे ही करना है। तो ये जो है इसे अब हम लोग 2 मिनट तक प्लेट से ढक देते हैं अच्छे तरीके से। और ये जो है कुंडली का भुजिया, ये घर के बेसिक मसाले से बनके तैयार होगा। तो 2 मिनट हो चुका है, इसे अब हम लोग प्लेट को हटा देते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और आप लोगों को भी इसी प्रोसेस से करना है। ये जो भुजिया है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ये घर के ही बेसिक मसाले से बन के तैयार होता है। तो इसमें अब हम लोग टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो हम लोग अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद अनुसार नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे नमक डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। ये जो कुंडली का भुजिया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार होता है। तो ये कम ही समय में बन के तैयार होगा, तो आप लोग इसे बच्चे के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची पाउडर को हम लोग अपने तीखेपन के हिसाब से डाल रहे हैं, और आपको जितना तीखा खाना पसंद हो आप उतना तीखापन इसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये मसाला ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो कुंडली का भुजिया है इसे अब हम लोग 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मिडिल फ्लेम पे पकने देते हैं, और इसे आप लोग रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे अब हम लोग थोड़े टाइम के लिए फिर से ढक दिए थे, और उसके बाद प्लेट को हटा देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं हम लोगों का जो कुंडली का भुजिया है कितना अच्छा दिख रहा है, और आप लोग भी
इस तरीके से बनाइएगा। और ये जो कुंडली का भुजिया है आप लोग इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, रोटी या फिर चावल के साथ, और फिर बच्चे के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ही बनाइएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोगों को हम लोगों का वीडियो कैसा लगा। खाने में ये जो कुंडली का भुजिया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना है, जिसको नहीं भी पसंद होगा उसे भी खिला देंगे तो वो भी दोबारा मांगेगा। तो आप भी इसे ज़रूर ही बनाइएगा। और ये जो है बन के तैयार हो चुका है, तो अब हम लोग गैस को बंद कर दिए हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसका कलर भी जो है कितना ज़्यादा अच्छा आया है। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ कुंडली के क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। आप लोग किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को ढक करके पकाते हैं तो उसका जो विटामिन रहता है उसके अंदर वो भाप बन के उड़ता नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ही बनाइएगा।